तो आज हम लोग बना रहे हैं गोलगप्पे का तीखा पानी, और इसे बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है। मैं बिल्कुल सिंपल मेथड यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। फिर अदरक लेंगे, और जो ये धनिया का पत्ता होता है वो भी आप ले लीजिए। लगभग हाफ कप के करीब धनिया का पत्ता मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद इसे हमें पीस के स्मूथ पेस्ट बनाना है। दोस्तों यहाँ पे आप इमली का पल्प जो होता है वो भी, आपके पास इमली है तो इमली के पल्प को आप पानी में भिगो के रख लीजिए आधे घंटे, और उससे भी इसमें डाल सकते हैं। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पे आमचूर और लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इमली का पल्प मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता। फिर अब इसे हम लोग स्ट्रेन करेंगे जो हमने अभी इंग्रेडिएंट बनाया है, और इसे फेंकिएगा मत। जो स्ट्रेन करने के बाद जो इंग्रेडिएंट बचेगा उससे आप आलू जब बनाइएगा इसका, तो आलू में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आलू के लिए उससे बचा के रख। अब हम लोग इसे स्ट्रेन कर चुके हैं, और इसमें लगभग आपको 1 से 1.5 लीटर तक आपको इसमें पानी डालना होगा, या फिर अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। मैं उसके बाद इसमें हाफ लेमन का जूस डाल रही हूँ, और यहाँ पे 1 लेमन का जूस भी आप डाल सकते हैं। मैं कंटेनर ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैंने बस यहाँ पे 2 से 3 कप ही पानी डाला है। और उसके बाद हम लोग सादा नमक डालेंगे 1 टीस्पून। फिर ये जो दिख रहा है आपको, ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून। फिर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो भी हम लोग 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब ही हम लोग जीरा पाउडर डालेंगे, और यहाँ पे आमचूर पाउडर भी ज़रूर डालिएगा दोस्तों। और उसके बाद हम लोग इसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे, और उसके बाद एक बार मिला के टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा कि कुछ कमी तो नहीं है। अगर कमी लगे तो आप उसमें नमक थोड़ा और डाल सकते हैं, या फिर जो लेमन का जूस है वो बढ़ा सकते हैं। और ये जो बिल्कुल जो रोड साइड स्ट्रीट साइड आपको मिलता है ना पानी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका लगता है। तो अगर ऐसे आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, 2-3 दिन तक बहुत अच्छा रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।